ग्वालियर के बेरजा में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि तुम्हें मेरी याद आ रही है कि नहीं। लोग बोले आ रही थी, तो शिवराज ने कहा कि आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई थी, तुमने पुकारा और हम चले आए, कहकर सभा में उपस्थित लाडली बहनों को भाव विभोर कर दिया। शिवराज सिंह ने भाजपा प्रत्याशी भारत सिंह के समर्थन में सभा करी और कांग्रेस पर हमला भी बोला। ग्वालियर के बेरजा गांव पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विरासत टैक्स के बहाने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उनका कहना था कि कांग्रेस अब तक कुछ नहीं कर पाई है, उसके पास कुछ भी नहीं बचा है, वो विरासत टैक्स लगाने वाली है कि कमाओ और जब दुनिया से जाओ तो सरकार के खजाने में 55% देकर जाओ। पूर्व सीएम ने कहा कि कांग्रेस औंधे सीधे फैसले ले रही है, इसलिए जो विचारवान कांग्रेसी हैं वो भी कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं। शिवराज की सभा में महिलाओं की तादाद ज़्यादा होने के सवाल पर शिवराज बोले कि बहनें भाजपा को भी प्यार करती हैं और भाई को भी प्यार करती हैं। वही शिवराज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धा के साथ साथ भक्ति का भी केंद्र है। यहाँ बेरजा में भारत सिंह जी की समर्थन में सभा संबोधित करने आया हूँ। जनता में आनंद उत्साह की लहर है और सच बात तो यह कि मोदी जी लोगों की श्रद्धा के साथ साथ भक्ति के भी केंद्र हैं। कांग्रेस में अब कुछ बचा नहीं है, वो तो विरासत टैक्स लगाने वाली है, कमाओ और 55% दे जाओ सरकार के खजाने में जब दुनिया से जाओ तो। औंधे सीधे फैसले कांग्रेस एक के बाद एक ले रही है, जिसके कारण विचारवान कांग्रेसी भी कांग्रेस छोड़ छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। भारत सिंह जी ने विधायक रहते हुए, मंत्री रहते हुए इस क्षेत्र के विकास के बहुत काम किए हैं। वो काम बोलते हैं कि भारत सिंह ही योग्यतम जनता के प्रतिनिधि हो सकते हैं और जनता यह अमर बना चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को भारत सिंह जी को भारी बहुमत से जिता। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।